नमस्कार, पेरेंट्स ईयरिंग सेशन में आप सबका बहुत स्वागत है। बच्चों को लीडरशिप की स्किल सिखाना बहुत जरूरी है और क्लासरूम की चार दीवारी में आंसर्स लिखते हुए सिर्फ रोट लर्निंग की जा सकती है। जब हम लिटरेट हो जाते हैं और साथ ही साथ जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसको जीवन में उतारते हैं तभी हम कहलाते हैं शिक्षित। तो लीडरशिप की स्किल को क्लासरूम में कागज पर लिखने से नहीं आ पाएगी, प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। तो हम करते हैं कैंप नो दाई सेल्फ। इसमें लगभग 300 बच्चे हम चूज करते हैं जो कि अपनी अपनी क्लास में मॉनिटर्स का काम कर रहे हैं। हर कक्षा में 8 या 10 मॉनिटर्स होते हैं, 4 रो इंचार्जेस, 2 डिसिप्लिन इंचार्जेस, अचीवमेंट हाइजीन इंचार्ज। इस तरह के सारे इंचार्जेस पहले से ही लीडरशिप स्किल के अंदर थोड़ा थोड़ा अपना दखल रखते हैं। अब इनको जब हम कैंप पे ले जाते हैं उससे पहले काफी सारी मीटिंग्स होती है जिसमें हम इनको अच्छी तरह से हिदायत दे देते हैं कि जो भी क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन हम देने वाले हैं वो अभी देंगे, बाद में जिस रोज कैंप होगा उस रोज सारा दिन कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगी, कोई जानकारी नहीं, कोई गाइडेंस नहीं। उस रोज वो सारा इवेंट उनको अपनी प्रीवियस मीटिंग्स के आधार पर जो भी ज्ञान उन्होंने एब्जॉर्ब किया है उस आधार पर बिताना है। तो नो दाई सेल्फ कैंप में ये 300 बच्चे 7 या 8 बसेस में बैठकर अपने कैंप स्थल पे पहुंचे। सबसे पहली चीज जो उनको सिखाई गई वो ये थी कि आप कोई भी काम जब करते हो तो उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है, गोल क्या है, आपका विजन क्या है। इंटेंशन, गोल और विजन ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो हम कैंप में क्यों जा रहे हैं? ताकि हम सब लीडरशिप के स्किल्स को सीखें, टीम वर्क करें, फीडबैक फॉलोअप लेना सीखें और बिना इंस्ट्रक्शन के सारा दिन काम करें अपनी जिम्मेदारी से, खुद रिस्पॉन्सिबल होकर। तो बड़ा ही आनंद आता है जब हम बच्चों को जब इंस्ट्रक्शन नहीं देते और वो खुद ब खुद बिल्कुल अच्छे तरह से अपना काम करते रहते हैं। सबसे पहले उनको हमने लिस्ट बनाना सिखाया, बॉयज का गर्ल्स के ग्रुप बने, हर ग्रुप में 45 स्टूडेंट्स हो गए, हर 45 स्टूडेंट्स पर 2 ग्रुप लीडर और टीचर्स इंचार्जेज। ये सब टीचर्स इंचार्ज और ग्रुप लीडर्स अपने अपने ग्रुप को संभालने के लिए हो गए जिसमें 45 बच्चे थे। अब इन्होंने लिस्ट बनाई, फास्ट करने वाले बच्चे कितने हैं, नॉर्मल खाना कितने बच्चे खाएंगे, सबके पास अपनी अपनी लिस्ट कि हमारे ग्रुप में से कौन किस बात का इंचार्ज है। मीटिंग्स में पूरी क्लैरिटी मिल गई। अब जब बच्चे कैंप वाले स्थल पे पहुंचे तो सबसे पहले वाली बस में पहुंची कुकिंग एंड सर्विंग टीम। कुकिंग और सर्विंग टीम को पता था कि उनको क्या करना है, वो सीधे कुकिंग वाले स्थान पे पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले इंटेंशन दिया, जगह को एनर्जाइज किया ओम पढ़कर और साथ ही साथ पूरी जगह को जागृत किया कि आज जो हम ये भोजन बनाएंगे उससे सभी बच्चों को स्वाद तो आएगा ही पर उनको बहुत सारी ऊर्जा मिलेगी और ये एक तरह से एक मेडिसिन का काम करेगा और उनके शरीर को स्वस्थ करेगा। हम सब शांति से मिलजुल कर काम करने वाले हैं। फिर हमने इंस्ट्रक्शंस को पेस्ट किया दीवारों पर जिसपे लिखा था कि कोई भी तेज आवाज में इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, शांति से हम सब मिलजुल कर काम करेंगे और कोई अपने चेहरे के भाव से या किसी भी तरीके से ये नहीं जताएगा कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूं दूसरा कम काम कर रहा है। नो कंपेयरिंग नो ब्लेमिंग इज एसेंशियल टू लर्न द स्किल ऑफ लीडरशिप। तो कंपैरिजन और ब्लेमिंग नहीं करके सभी जने अपने अपने काम में जुट गए। हर बच्चे को 15 प्याज काटने थे, 10 टमाटर काटने थे और 3-3 शिमला मिर्च काटनी थी, 4 किलो पनीर था, पनीर के छोटे क्यूब्स काटने थे। हर बच्चे को पता था कि मुझे कितनी संख्या में क्या कार्य करना है। और फिर जब हमने रैप्स बनाना शुरू किया नाश्ते के अंदर, उन्होंने उसको भी इंटेंशन दिया पहले कि ये रैप्स बड़े स्वाद बने हैं, सभी बच्चों ने इनको मन से खाया है और सभी में बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा इसकी वजह से जनरेट हुई है। बच्चों के लिए साबुदाना की खिचड़ी भी बनी थी क्योंकि नवरात्र में फास्टिंग भी कर रहे थे, कई सारे बच्चे थे जो फास्ट पे थे। अब नेचुरल बर्तनों के अंदर खाना, पत्तल दोना, मिट्टी का गिलास, मिट्टी के गिलास में ही सारे दिन पानी पीना था
बच्चों को ये हिदायत थी कि ये ग्लास अब आपकी है, सारा दिन इसी में से आपको पानी पीना है और घर ले जाने के बाद इसमें मिट्टी भरकर एक पौधा भी उगाना है। परोसकारी करने वाले सर्विंग टीम, उनको बहुत अच्छे से पता था कि सिर्फ इशारों से काम करना है। लीडरशिप स्किल में ये बहुत जरूरी है कि हम शोर नहीं कर रहे, हमारे पास क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन इस हद तक है कि हमें माइन्यूटेस्ट डिटेल पता है, हम जानते हैं कि किस काम के बाद क्या करना है और कैसे करना है। तो सर्विंग टीम ने ही खुद बच्चों को खाना परोसा, बच्चों ने खाना खाने से पहले खाने को इंटेंशन दिया कि ये जो भोजन हमारे लिए हमारी थाली में आया है, हम मिलजुल कर भोजन कर रहे हैं, इससे हमें अपार ऊर्जा मिल रही है, हमें तेज बुद्धि मिल रही है और ये हमें पुष्ट करने वाला है। और भोजन करने के बाद वो जैसे पत्तों में खाना सीखा, ये भी सीखा कि अगर हम कभी भी कोई हमारे ऑस्पिशियस त्यौहार होते हैं उस रोज हमें पत्तल धोने में खाना खाना चाहिए, क्योंकि इससे पेड़ लगाना भी ज्यादा लोग शुरू करेंगे। पहले जगह जगह पे पत्तल धोने मिल जाते थे, अब पूरे शहर में कोई एक दुकान होती है जहाँ पत्तल धोने मिलते हैं, तो ये हमारे लिए खतरे का सूचक है। तो सभी बच्चों ने ये भी प्रण लिया कि हमें समाज के लिए उपयोगी होना बहुत जरूरी है और फोर्स ही करना चाहिए कि अगर हम सब पत्तों में खाना खाने लग जाएं तो जो पैसा कमाना चाहते हैं वो कितने पेड़ उगाएंगे, तो अपने आप ही हमारा पर्यावरण अच्छा हो जाएगा एक छोटा सा काम करने से। फिर उसके बाद बच्चे परेड के लिए जब गए तो परेड में सारे बच्चों ने एक ट्रिक सीखी, वो क्या थी कि 45 बच्चों को भी दो पार्ट में डिवाइड करके ग्रुप लीडर्स ने 20 मिनट्स में परेड के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया। कहां 15 अगस्त 26 जनवरी पे जब स्कूल के कार्यक्रम होते हैं तो इतना लंबा टाइम लगाया जाता है, सारा दिन प्रैक्टिस होती है। और छोटा सा ट्रिक क्या है लीडरशिप का कि आप छोटे छोटे ग्रुप में ग्रुप लीडर के साथ डिवाइड कर दीजिए और ग्रुप लीडर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, अकाउंटेबल होगा अपने ग्रुप के लिए, वो खुद रोल मॉडल होगा, वो खुद अच्छे से परेड करता होगा और कमांड देगा, तो 20 बच्चों को 20 मिनट से भी पहले परफेक्ट परेड के लिए तैयार कर सकता है। तो वही कैंप स्तर पे पूरी परेड हुई, परेड के अंदर बच्चों ने नोदाई सेल्फ कैंप का वो पूरा अपना अच्छा सा बैनर लगाया और लाइन में सेल्फ डिसिप्लिन होता है लीडर, तो पूरी तरह से डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए 300 बच्चे बिना किसी इंस्ट्रक्शन के अपने अपने रूम्स में चले गए।